लगभग 250 मोबाइल हैं जो विभिन्न चरणों में पुलिस के द्वारा लोगों को वापस किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4 लैपटॉप भी हैं और कुछ बाइक्स भी हैं जो हम लोगों ने पूर्व में लोगों को वापस किए। प्रशासन के द्वारा अगर खोया हुआ वस्तु मिल गया तो और इससे बड़ा खुशी के बात क्या हो सकता है। थैंक यू बिहार पुलिस और हमारे तुर्की ओपी के भी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में अगर आपका फोन गुम हो गया है, खो गया है, तो चिंता मत कीजिए, बिहार पुलिस आपका फ़ोन खोज कर देगी। और इसी मुहिम के अंतर्गत लगातार फ़ोन दिए जा रहे हैं। बिहार पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर में लगातार फ़ोन दिया जा रहा है, लोगों की गाड़ियां भी दी जा रही हैं। तो ऐसे में एक बार फिर आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत 40 से अधिक लोगों को मोबाइल फ़ोन बांटे गए, जिसके बाद लोगों ने बिहार पुलिस का धन्यवाद दिया है, थैंक यू कहा है बिहार पुलिस को कि बिहार पुलिस अच्छा काम कर रही है, हमारा सामान, हमारा मोबाइल फ़ोन उन्होंने सुरक्षित खोज कर दे दिया, बिहार पुलिस का धन्यवाद है। क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार, साथ ही साथ जो जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन मिले हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कान के अंतर्गत जिला पुलिस ऐसे लोगों के मोबाइल जो कहीं खो गए हैं, गुम हो गए हैं या लोगों से छूट गए हैं, उनको बरामद करती है और लोगों को वापस करती है। इसी अभियान के अंतर्गत आज ये तीसरा चरण था जिसमें लोगों के बीच में उनके मोबाइल को आज लौटाया गया है। कुल 46 मोबाइल हैं जिनको आज लोगों को वापस किया गया है। इसके पूर्व भी लगभग 250 मोबाइल हैं जो विभिन्न चरणों में पुलिस के द्वारा लोगों को वापस किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4 लैपटॉप भी हैं और कुछ बाइक्स भी हैं जो हम लोगों ने पूर्व में लोगों को वापस किए। इस बार बाइक्स भी है क्या? नहीं, बाइक के लिए हम लोग अब थाना से सीधे दिलवा देते हैं, चूँकि लोगों की आवश्यकताएँ रहती हैं तो माननीय न्यायालय से अनुमति लेके उनको हम लोग थाना के स्तर से वापस करते हैं। आगे भी सर ऑपरेशन ही जारी है? हाँ, निश्चित रूप से अभियान हम लोगों का चलता रहेगा और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। और लोगों से भी हम लोगों की अपील है कि यदि उनका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है अथवा चोरी भी हो जाता है तो थाना में इसके सनहा जरूर कराएँ, उसकी एंट्री जरूर कराएँ ताकि हम लोग उनके मोबाइल को खोजने का प्रयास करें। शिकायत को लेकर थाने में लिया जाता है, नहीं अब वैसी तो स्थितियां नहीं हैं। और थाने में यदि व्यक्ति जाता है और उसको कहीं कोई समस्या है तो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हम लोग हैं, हम लोगों के मोबाइल नंबर भी हैं, हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, उन लोगों का सनहा होगा, अगर FIR का मामला बनता है तो FIR होगी। कितने मोबाइल आज वितरण किए? आज 46 मोबाइल वितरित किए। बहुत खुश है। फोन मिल गया? जी गायब हो गया था, न्यू कॉलोनी बालूघाट रोड नंबर 3 से गायब हो गया था। रात में सोए हुए थे तो तकिया के नीचे से ले गया उठा के। जी पुलिस ने जी प्रशासन के द्वारा अगर खोया हुआ वस्तु मिल गया तो और इससे बड़ा खुशी के बात क्या हो सकता है। जी जी बहुत खुशी है। जी 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 क्या कहेंगे बिहार पुलिस को? धन्यवाद देता हूँ, किसी तरह खोया हुआ वस्तु अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। थैंक यू बिहार पुलिस और हमारे तुर्की ओपी के भी। क्या नाम होगा? सुजीत कुमार। तो आपने सुना कि मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ लोगों ने पुलिस का कैसे धन्यवाद दिया है। लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि लोगों का गुम हो गया और खो गया हो फोन वापस उन्हें मिल गया, तो खुशी का अंदाज़ा लगाना देखने लायक था कि किस तरीके से लोग खुश थे और बिहार पुलिस को थैंक यू कह रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार मोबाइल फ़ोन और जो है गाड़ियां वो बांटी जा रही हैं लोगों की, जिन लोगों की गाड़ियां खो जाती हैं और गुम हो जाती हैं उसको लेकर लगातार पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये कार्रवाई कर रही है, खोज कर फ़ोन दे रही है, जिसके बाद लोग थैंक यू कह रहे हैं। तो मैं रही लाइव सिटीज़ के साथ।